वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एजेंडा 360। हमारे गेस्ट हैं हसन निसार साहब, जिनसे ब्रेक से पहले मैंने कुछ पूछने की एक मैंने ट्रेलर दिया था। हसन निसार साहब, आपने कहा कौमों की तारीख देख के, कौमों की हाल देख के आप उनका मुस्तकबिल जो है उसको प्लॉट एंड प्लान या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सर, लेकिन जब कौम कौम ही ना हो, जब कौम मज़ीद फ़िरकों में बटी हुई हो, उससे फिर सब डिविजन्स हों और फिर उसकी सब कैटेगरीज हों, अगर यूनाइटेड इस वक्त पाकिस्तान में कोई है तो वो ऑन मॉनेटरी बेसिस है कि जी फला साहब करोड़पति हैं, तो उनकी एक ऑटोमेटिकली फला एक और साहब करोड़पति से काफ़ी चीज़ें इन कॉमन होंगी। वरना उसके अलावा मेरे ख्याल से कॉमनैलिटीज़, एक ट्राइबल कॉमनैलिटी पाकिस्तान में मिनहसुल कौम कोई एक नहीं है। यू थिंक आई एम राइट? यू आर एब्सोल्युटली राइट जी। ये मेरे एक जुमले पे बड़ा एक दफ़ा खप पड़ी थी, मैंने लिखा था कि कौम तो बहुत दूर की बात है, ये तो हजूम भी नहीं है, ये तो एक ऐसा हुजूम है जिसमें सांप छोड़े हुए हैं, यानी भगदड़ में मुब्तला हुजूम। इतना ना हुजूम है लेकिन चलें वो पुरसकून है। ये एक ऐसा हुजूम है जिसमें बॉम्ब्स फट रहे हैं, अगवा हो रहे हैं, सांप फिर रहे हैं, बिच्छू फिर रहे हैं। ये हमारे असलाफ की सिंपल फिलॉसफी है कि कुफ्र पे कायम मुआशरे ज़िंदा रह सकते हैं, जुल्म पे नहीं। कौमें बनती हैं इंसाफ की बुनियाद पर, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर। ये जितनी हौलनाक खलीज इस मुल्क में है। और फिर एक बड़ी दिलचस्प बात है, मैं अक्सर सोचता हूँ, लोगों से पूछता हूँ कि यार ये पागल हैं, रिटार्डेड हैं, मुल्क दुश्मन हैं, ये करना क्या चाह रहे हैं? एक आदमी के लेट्स अज्यूम के 12 बच्चे, मुसलमानों के तो 20-20, 50-50 भी होते हैं, 12 बच्चे हैं। वो एक तो उसने भेज दिया बरेलवी, एक उसने भेज दिया अहले हदीस, इस तरह मुख्तलिफ उसने भेज दिए, 5-7 बच्चे इधर बांट दिए, एक भेज दिया अमेरिकन स्कूल, एक भेज दिया शोएफात, एक भेज दिया कैडेट कॉलेज में, एक भेज दिया टाट स्कूल में, एक भेज दिया ईंटों के भट्टे पे, एक भेज दिया वो जो पंक्चर लगाने वाली दुकान है उस पर। वो बच्चे कभी ज़िंदगी में इकट्ठे बैठेंगे? उनकी सोच में कोई हार्मनी, कोई रिदम होगा? उनके अमल में, उनके सोचने, देखने, गौर व फिक्र करने में कोई सिंक्रोनाइजेशन होगी? वो बेसुरे होंगे, जैसे एक गीत में तबला कहीं जा रहा है, हारमोनियम कहीं जा रहा है, वायलिन कुछ और बजा रहा है, वो क्या गीत होगा? वो ये इस तरह का एक बेसुरा गीत है जिसके गीत के मिसरे बेवजन हैं, जिसका म्यूज़िक की डायरेक्शन कोई नहीं है। ये इस तरह की कौम बनाई है आपने, पिछले 60 साल में बड़ी मेहनत करके आपने इनको तबाह किया है, एक दूसरे का दुश्मन बनाया है। कहते हैं मुस्लिम उम्मा इकट्ठे नहीं है एक गली में। मैं अक्सर पीटता हूँ, मैं अक्सर पूछता हूँ कि मुझे कोई एक जवाब दे दो। आपकी मेरी अजान में अगर 2 मिनट का फ़र्क है, अव्वल तो वो भी बहुत दर्दनाक बात है, चलो अंडरस्टैंडेबल, एक्सेप्टेबल, लेकिन बैक वक्त चंद घरों का फासला है, एक ही गली में 4 मस्जिदें वक्त वक्त अजाने दे रहे हो, ये क्या कर रहे हो तुम? दुनिया को क्या बता रहे हो? किसी चीज़ पे कंसेंसस नहीं। जुमे की छुट्टी, इतवार की छुट्टी, नो वन इश्यूज, स्टूपिड इश्यूज। डैम बनेगा नहीं बनेगा, मीडियम इंग्लिश होगा उर्दू होगा, ये सर एक जो कॉमन डिनोमिनेटर, हवास भी नहीं, एक जो कॉमन डिनोमिनेटर होना था एटलीस्ट फिलोसॉफिकली, एकेडमिकली, ऑन पेपर, वो इस्लाम ही था कि अब मुसलमान नहीं। ये नहीं होता, नहीं 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 नहीं, नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट के बाद ये नहीं है। और आपकी सारी हिस्ट्री मार धाड़ से भरी पड़ी है। एक और बहुत बड़ा झूठ है, क्लिशे है जो हम बोलते हैं, आपस में झूठ बोलते हैं। ज़हीरुद्दीन बाबर को किसने मारा था? ज्यूज ने मारा था? नहीं, वो तो जाहिर है सर, आपस में जब मुसलमान लड़े रहेंगे तो लड़ेंगे भी, लेकिन टोटल हिस्ट्री ये है जी, बनू मैया से भी पहले यही मार धाड़ चल रही है, आपस में चल रही है। तो ये कहना कि वो एक चीज क्लियर करें व्यूअर के लिए, ये नहीं, एक चीज क्लियर करें व्यूअर के लिए, क्या आप ये कह रहे हैं, मैं सवाल कर लूं कि क्या आप फिर ये कह रहे हैं कि जो इस्लाम की बुनियाद पर मुल्क बनाने का फलसफा ही गलत था, क्या आप ये कह रहे हैं, या आप ये कह रहे हैं कि फलसफा था तो ये? नहीं 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 जी, नहीं नहीं, आप नहीं, ये ढोंग है ना जी, ये बात ही बकवास है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये फलसफा सही नहीं है। मेरी बात नहीं, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन इट, ये बड़ा सेंसिटिव मौजू है। इस्लाम नाम है इंसाफ का, वो तो गैरों से भी इंसाफ का तकाजा करता है। आप नाम ले रहे हैं इस्लाम का, आपके अमाल उसके ऑपोजिट हैं।
आप मुंह से तो कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन आपके अल्लाह तो कदम कदम पे हैं। सर जी साहब जी, एक अजीब गलीज सा कल्चर है आपका, ये बुत बनाए हुए हैं आपने, इतने इतने बड़े शख्सियत परस्ती बुत नहीं पूछते आप, आप पार्टी लीडर्स को पूछते हैं। वो शर्म हया करें, इसको इस्लाम कहना तो जुल्म है, इसकी शायद सजा मिल रही है हमें। ये कह रहे हैं इस्लाम, कह रहे भाई इस्लाम मीन्स व्हाट? इंसाफ, तवाजुन, इतदाल, खूबसूरती, शेयर करना, डिसिप्लिन, बैलेंस। इस्लाम को अगर आप थ्योरी के तौर पे देखें तो इट इज़ फैसिनेटिंग। वो कहे कि एक जिस्म की तरह है मुसलमान, जिसका अगर एक उज्व को तकलीफ पहुंचेगी तो सारा जिस्म जो है दर्द महसूस करेगा। अब अगर तो इस तरह के इस्लाम की बुनियाद है तो फिर पूरी, अदरवाइज नहीं। आप इस लफ्ज़ को बरत रहे हैं और अब से नहीं, सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं। बनू उमैया से भी पहले से सिलसिला शुरू हुआ और डिफाइन हो गया बनू उमैया के। लेकिन ये मुझे बताएं ना कि बनू इस्लाम पे उन्होंने बनू उमैया की लाशें निकाली। ठीक है, आप कह रहे हैं तो तारीख है, ठीक है, ठीक, आप कह रहे हैं इस्लाम को हमने सही फॉलो नहीं किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया और सही इस्लाम नहीं, सही गलत नहीं, इस तरह नहीं। ये मुल्लाओं हैं, ये मेरे साथ ना मंसूब करें। आपने एक एक टर्म है जो बेची है, ठीक है, अमल आपने बदनीयती पर मबनी ऑपोजिट किया है, बदनीयती पर मबनी था यार। सुने, मैं एक पेशेंट के तौर पे, मैं एक पेशेंट के तौर पे, आप डॉक्टर हैं, मैं आपके पास जाता हूं, आप मुझे कहते हैं ये दवाएं खानी है, मैं उनकी जगह कुछ और खाता हूं, आप मुझे बताते हैं परहेज कि तुमने ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, मैं वही कुछ खाता हूं, आप कहते हैं एक्सरसाइज करनी है, मैं वो नहीं करता, आप मुझे जो डूज एंड डोंट्स हैं जितने, मैं उसके ऑपोजिट जा रहा हूं, जिन चीजों से रोक रहे हैं आप वो मैं कर रहा हूं। ठीक है, नुस्खा सही था, जिन चीजों का हुक्म दे रहे हैं आप मुझे बताओ डॉक्टर, उसके मैं बिल्कुल ऑपोजिट जा रहा हूं और कह ये रहा हूं कि मैं आपका मरीज हूं, आप मेरे मुआलिज हैं। बिल्कुल तो सही, आप मैं तो समझ गया। एक सवाल का जो छोटा मुख्तसर जवाब दे दें कि क्या आपके ख्याल से ये मुमकिन था अगर हम मुखलिस होते और इस्लाम को जो भी आप टर्म इस्तेमाल कर लें, सही जो इस्लाम है या जो सब्सटेंटिवली उसके प्रिंसिपल्स हैं उनको लेके चलते, तो एथनिक डिविजन्स के बावजूद आपके ख्याल से ये मुमकिन था कि इस्लाम के डिनोमिनेटर के साथ कम से कम हमारी एक यूनिटी और एक नेशनहुड बन सकती थी, या ये कॉन्सेप्ट, ये भी आप इससे एग्री नहीं करते? इवन इफ वी हैड फॉलोड इस्लाम, जुज़वी तौर पर, जुज़वी तौर पर बहुत सारी किसी चीज़ के बहुत सारे, इट्स अ पैकेज, उसमें ये एक फैक्टर हो सकता था, इससे ज़्यादा नहीं। देखिए बात सुने, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे हाफ ऑफ माय क्लास फेलोज इन द यूनिवर्सिटी वर बंगालीज, हम बच्चे थे उस वक्त, टीनएजर्स थे यूनिवर्सिटी में जब गए एज अंडर ग्रेजुएट्स, तो हमें तो कोई सियासत ये वो गलाजत हमें तो कुछ नहीं पता था, हमें शुरू शुरू में बड़ी मोहब्बत थी हमारे बंगाली भाई हैं, लेकिन विद इन टू थ्री मंथ्स हॉस्टल में हम अलग अलग हो गए। मैं आज भी अगर ईस्ट पंजाब जाता हूँ, ये इंडियन पंजाब जो है, मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ बनस्बत तो इलाका गैर के, ये जो भी आप उसे कह लें, उसकी वजह है कुक का कल्चरल बैकग्राउंड्स भी होते हैं लोगों के, वो बंगालीज के साथ हम दो महीने के बाद ही हमारा मैस भी अलग हो गया, उनका खाने का तरीका और था, रहने का तरीका और था, खर्च करने का तरीका और था, सोचने का तरीका और था, उनके कमरों की स्मेल हमारे कमरों की स्मेल से मुख्तलिफ थी। कभी किसी बंगाली लड़के ने ऐसा नहीं हुआ कि वो महीने के आखिर तक अपने उसने पॉकेट मनी में गुजारा ना किया, हम में से वो सारे के सारे जिनको बड़े अच्छे पैसे मिलते थे घर से, हम 20 तारीख को फारिग हो जाते थे। एक एटीट्यूड है सर, लेकिन इसका इसकी वजह वो समझ आती है, वो समझ आती है। लेकिन आप अमेरिका में अगर आप देखें, आयरिश अमेरिकन थे, इटालियन अमेरिकन थे, ऑलबियट दे वर कॉकेशियंस, बट बहुत डिफरेंट ममालिक से माइग्रेट करके आई हुई जो कौमें थीं वो शुरू में तो डिवाइडेड थी। आयरिश अमेरिकन अलग इलाकों में रहते थे, इटालियन अमेरिकन अलग इलाकों में रहते थे एक ज़माने में, लेकिन जब उनकी अमेरिकनाइजेशन, अमेरिकन स्टेट और गवर्नमेंट में जब उनका एक और उनके इंस्टीट्यूशंस में एक कॉन्फिडेंस बढ़ा, तो द रियल थिंग बिकेम अमेरिकन, नॉट इटालियन अमेरिकन, नॉट आयरिश अमेरिकन, एंड देन दे बिकेम अमेरिकन, एटलीस्ट टू द एक्सटेंड ऑफ कॉकेशियन। 250 साल लगे, हाँ वही, बहुत टाइम लगा और लगता है ऐसी चीज में। नहीं नहीं, 250 साल लगे, ये थ्योरी नहीं आना, इसको फिट ना करें। असल बात वही है जो मैंने पहले अर्ज किया, इंसाफ की बात है, बिल्कुल सही, यही मैं कह रहा हूं कल के इंस्टीट्यूशंस वहां बने, बिल्कुल सही है। बात सुने ना, कल तक गुलामों को वो करने वाले, उनकी पीठें दागने वाले, नंबर लगाने वाले, उनकी कमरों पे मालिकान के नाम खोदने वाले,
वो उनका सदर काला है। बात क्या है, वही इंसाफ की फिलॉसफी क्या है, और वो बकते नहीं, बकवास नहीं करते, दे रियली डू इट, दे मीन इट। उन्होंने कहा है कि हमारी डेमोक्रेसी तुम्हें किसी चीज़ की गारंटी नहीं करती, कोई हाँ एक चीज़ कि अगर तुम्हारे अंदर कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है आसमान तक पहुंचने की, तो वी विल इंश्योर दैट यू रीच द स्काई। मेरिटोक्रेसी इंसाफ है, ठीक है ना जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूं, अदरवाइज अदम इंसाफ पे तो एक खानदान जिंदा नहीं रह सकता। मैं और यही बात है निसार साहब के, क्योंकि इंसाफ नहीं है, नहीं करता, क्योंकि इंसाफ नहीं है पाकिस्तान में, इसीलिए तफरीक जो है पठान सिंधी वगैरह में बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। अगर इंसाफ होता, निजाम सही चलते, इंस्टीट्यूशन सही चलते, हुकूमत में कॉन्फिडेंस होता, स्टेट के साथ बिलोंगिंग होती, तो ये तफरीक हालांकि कल्चरल थी हमारी, ये कम होती, बढ़ती नहीं। इट इज नॉट कन्फाइंड टू जस्ट पाकिस्तान, द होल ऑफ सो कॉल्ड मुस्लिम वर्ल्ड, उसका यही हाल है। ये चिपके हुए हैं, ये जोंकों की तरह चिपके हुए हैं। आप अगर ओवरऑल देखें, ग्रैंड टोटल देखें, अगर आप बॉटम लाइन क्या है, सदियां हो गई हैं आपने बनी नौ इंसान को, डेढ़ अरब। मैं जब ये कहते हैं वो बड़े मुसलमान बड़े इस्लाम कबूल कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं तुम पहले सवा डेढ़ अरब हो, तुम दो अरब भी हो जाओगे तो क्या कर लोगे। इन्होंने बनी नौ इंसान, आज जिस दुनिया में मैं और आप जिंदा हैं, ये दुनिया किसने दी है, किसने कार्व की है ये दुनिया। मुसलमान एक वाइपर तक कंट्रीब्यूट नहीं कर सके, कदम कदम पे झूठ बोलते हैं। कदीर खान अजीम साइंसदान, ओ भाई किधर का साइंसदान, वो एक ऐसी चीज जिसको इस्तेमाल हुए तकरीबन 65-70 साल हो गए हैं। एटम बॉम्ब बन बना के हिरोशिमा नागासाकी पे वो इस्तेमाल भी कर चुके हैं। अगर वो बना ही लिया है आज, तो यार तुम ऑटोमोबाइल तो मोटर बना लो, फिर कहो कि तुम बहुत ऑटोमोबाइल के तुम बड़े को फन्ने खान हो, तो क्या हो भाई। डेट्रॉइट पे चलाई थी उसने, फोर्ड ने पहली दफ़ा मोटर, आज अगर कोई जहाज़ बना ले तो वो कहे तुम्हारा क्या तल्लुक है उसके साथ भाई। 100+ साल पहले राइट ब्रदर्स की फ्लाइट थी पहली, कोई शय बनी ना इंसान को। मैं जब ये बिल बिलाते हैं, बिजली नहीं है, तो मैं सोचता हूँ कि इन्हें कभी एडिसन भी याद आया है। एहसान फरामोश लोग हैं, डेढ़ अरब होने के बावजूद हमारी कंट्रीब्यूशन सिफर भी नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स में सिफर की बहुत ज्यादा अहमियत है, ये जीरो नहीं, ये सिक्स। ब्रेक लेंगे सर। सर एक जमाने में तो थी, अब आजकल बुरा हाल है। बहरहाल इस पर एक ब्रेक के बाद बात करेंगे, और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि आपने बात की मजहब की एक्सप्लॉयटेशन की, तो ये जो हमें मजीद डिवाइड क्रिएट किया गया है कि कौन शिया है कौन सुन्नी है, और फिर एथनिक डिविजन्स हैं वगैरह, तो इनके होते हुए जो हमने रेवोल्यूशनरी स्टेप्स देखी मिडल ईस्ट में, इजिप्ट में देखी, यमन में देखी वगैरह, तो पाकिस्तान में हुकूक की जंग जो है वो क्या एका कभी जोड़ सकती है पाकिस्तानियों में आपस में, पाकिस्तानियत का? एक ब्रेक के बाद।